VNS. इस समय हम मौजूद हैं काशी की राजनीति में तहलका मचाने वाले सेना से बर्खास्त सिपाही। जी हाँ, कहा जा सकता है कि देश सेवा का जज्बा लेकर सेना में जाना और नियमों की अनदेखी के चलते बाहर आ जाना और राजनीति को एक माध्यम बनाना कि हम राजनीति के माध्यम से अपनी बात बताएंगे और जनता के बीच जताएंगे कि हम सही थे। ऐसे में तेज बहादुर जी, जिनका नामांकन रद्द हो चुका है, अब समाजवादी पार्टी, समाज की सेवा करने के लिए इन्होंने समाजवाद का सहारा लिया है। अब जानने की कोशिश करेंगे नामांकन रद्द होने के बाद इनकी आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से ये समाज सेवा करेंगे समाजवाद के सहारे। तेज बहादुर जी, अब आगे की क्या रणनीति है? नामांकन तो रद्द हो गया आपका। जय हिंद। नामांकन तो इनकी दिख गया था मोदी जी को कि अब उनके बोरियां बिस्तर गोल हो गए, एक जवान सामने आ गया, तो इन्होंने ये हथकंडा अपनाया। लेकिन उनको ये नहीं पता, अगर वो चुनाव जीत भी गए लेकिन पूरे देश के दिलों से वो आज हार गए हैं, जो उन्होंने जो कर्तव्य किया है। और आगे की तो आपने देखा ही होगा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी सालनी बहन के साथ, हम मिलके मोदी जी को अब भी हराएंगे। कोर्ट वगैरह भी जाएंगे क्या? हाँ, उसकी प्रक्रिया चल रही है, हमारे एडवोकेट वगैरह जो गए हुए हैं, कोशिश हो रही है कि कोर्ट में, हम गए थे कोर्ट में, बात किया था तो कह रहे हैं कि चुनाव तक आप कोर्ट में शायद केस नहीं फाइल होता है, अभी सुनने में आ रहा है। अभी जैसे होगा वो तो करेंगे, फाइट तो रखेंगे, जब तक जिंदा हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आपने बताया कि पूरी प्लानिंग थी तेज बहादुर जी, दो दो कैंडिडेट आना, सारी कुछ प्लानिंग आपको बीजेपी की मालूम थी। ऐसे में आप निर्वाचन आयोग से नोटिफिकेशन भी निकलवा सकते थे क्या? इतनी फजीहत कराने की क्या ज़रूरत थी? नहीं देखो, इस चीज़ का हमें पता नहीं था कि नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन उसको चाहता ही हमें पता था। कानून में ऐसा प्रावधान है जो भ्रष्टाचार के मामले में या देशद्रोह के मामले में बर्खास्त होता है, इसका हमें कुछ पता ही नहीं था कि इस मामले में, और इनको बताना चाहिए था हमें। जब नॉमिनेशन हम जब करते हैं 24 को जैसे किया, उस समय इन्होंने मांगा ही नहीं हमसे, जब मांगा जाता है उस समय कि भाई आप जो है बर्खास्त जवान है, जबकि उसमें लिखा हुआ है मैं बर्खास्त, मैंने कोई छुपाया नहीं, मैंने क्लियर लिखा हुआ है बर्खास्त जवान, साथ में अपने डॉक्यूमेंट, तो उनको मांगना चाहिए था। लेकिन ये तो साजिश रची गई है ना। आपको तो मालूम है कि सेना से बर्खास्त हुआ व्यक्ति 5 साल भीतर चुनाव नहीं लड़ सकता। नहीं, क्या ये नहीं, 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 आपकी पार्टी नहीं, आपकी आपकी पार्टी ने भी आपकी पार्टी ने भी नहीं बताया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर शर्तें हैं। और आपको मैं बता दूं, तीनों सेनाओं का अलग सिस्टम है और जिससे मैं आता हूं उसका सिस्टम अलग है। उनका ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस चलता है, हमारा आम नागरिक का जो केस होता है हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट में केस चलता है हमारा, ना कि सरकारी पैसे से चलता है, हम खुद अपने उससे केस करते हैं। तो आप ये बताइए, जब इतने प्रज्ञा इनकी जो है ठाकुर जैसे जब चुनाव लड़ सकते हैं, तो मेरे कोई ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं लोग। आपकी प्लानिंग में कहीं चूक हुई है क्या? नहीं, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं है, ये तो तानाशाही तरीके से किया है, एकदम हिटलर शाही जो तरीके से किया गया, हमारे में कोई चूक नहीं। आपने बोला प्लानिंग किए थे, तो नोटिफिकेशन वाली प्लानिंग कहीं नहीं, कहीं? नहीं, 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 नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ लागू ही नहीं है तो हम किसकी तैयारी क्यों करें। ये तो ज़बरदस्ती थोपा गया है कि वो चीज़ अलाउ ही नहीं है, अगर दी अलाउ था तो ये हमें लिखित में देते कि आप ये लेके आइए, ये साजिश रची गई है। अच्छा तेज बहादुर जी, आपने बताया, आरोप लगाया कि आपके बच्चे की हत्या हुई और आरोपी आप प्रधानमंत्री को बना रहे हैं, क्या आप किस आधार पे आरोपी बना रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री सीधे सीधे तौर पे हैं। नहीं भैया, जिस मैंने जो भ्रष्टाचार दिखाया, मैंने क्या गुनाह किया था? मेरी रोजी रोटी छीन ली, उसकी सिस्टम ने हत्या की है, और उसके जिम्मेवार प्रधान भरोसा मैंने प्रधानमंत्री पे किया था सीधे तौर पे कि प्रधानमंत्री विश्वास करके, नहीं तो मैं आराम से अपनी नौकरी कर रहा था, मुझे क्या जरूरत थी? अगर दो चिल्ला के छाती पीट के नहीं कहते कि मेरा सहयोग करो, भ्रष्टाचार खत्म करने में सहयोग, तो मुझे क्या जरूरत थी? मैं ये सारा सिस्टम प्रकरण हुआ, मेरी नौकरी बर्खास्त हुई है, मुझे खाने की रोटी तक मोहताज हो गया मेरा घर परिवार सारा, तो उसकी जिम्मेवार वही है। आज बच्चे की हत्या हो, चाहे सुसाइड हो, कुछ भी, उसका जिम्मेवार तो मोदी है सीधे तौर पे, चाहे कुछ भी हो। कोई आधार? आधार कुछ भी है, सीधे सीधे तौर पे वही जिम्मेवार मान लो। अब जैसे हमारे वहाँ की पुलिस कह रही है कि जी सुसाइड किया है, सुसाइड क्यों किया? आज मेरी नौकरी होती तो नहीं करता हो, अगर दिन की हत्या हुई है तो इन्होंने कराई है। क्या लगता है आपको, काशी कोई मामूली प्रत्याशी नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, जीतना क्या लगता है, जीत जाएंगे प्रत्याशी पीएम मोदी के सामने? तो इतने ही तगड़े प्रधानमंत्री जी थे तो क्यों भाग लिए, क्यों मेरा नामांकन रद्द करा दिया? प्रधानमंत्री जी को बोलो एक बार फिर मौका देके, देखो दिखाता हूँ मैं।
फिर दिखाता मैं क्यों भाग लिए किस तरह से मोदी जी। अंतर क्या रहता अगर आप फील्ड में रहते? इस समय शालिनी यादव को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो शालिनी यादव अगर जीतती हैं कितना एक मोटा मोटी अंतर? देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हम हमारा कैंपेन कर रहे थे शालिनी बहन के लिए भी हम वही कैंपेन करेंगे, और हो सकता है इसमें भी कोई नई साजिशें रचना शुरू कर दें इनका कोई भरोसा, जब इनको लगेगा कि हाँ शालिनी भी जीत रही है तो इनके खिलाफ भी साजिशें निरंतर रची जाएंगी। देखिए आप किस प्रकार से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक अपील की पूरे देश के सैनिक भाइयों के लिए, क्या अपील थी वो? सैनिक भाइयों से मेरी अपील यही है कि बहुत हो गया अपमान अब तुम्हारा, अपने मान और सम्मान के लिए आ जाइए बनारस में, काशी का जो इतिहास जो है उसको दोहरा दीजिए दोबारा, काशी जो है विश्व काशीनाथ की नगरी जो है उस इतिहास को दोहराना है, अगर ये देश के संविधान को बचाना है, इस हिटलर को भगाना है तो बनारस आ जाइए, सभी से अनुरोध यही किया। देश तो प्रधानमंत्री बोल रहा है, आप हिटलर बोल रहे हैं उन्हें? कौन नहीं प्रधानमंत्री पद है, हिटलर आप कह रहे हो, मैं किसको कह रहा हूँ हिटलर? आप प्रधानमंत्री हिटलर आप बता रहे हो, मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं तो हिटलर किसको बताया? इसका मतलब आप अपने आप खुद ही कह रहे हो कि प्रधानमंत्री हिटलर है, मैं तो हिटलर कह रहा हूँ, हिटलर स्याही शासन कह रहा हूँ, तो आपने इसका मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि मोदी जी हिटलर है? नहीं वो तो आप बता रहे थे। नहीं मैंने हिटलर कहा ना, जैसे ही मैं हिटलर का नाम लेते हूँ मीडिया वाले अपने आप मोदी जी को बढ़ा देते हैं, आप खुद ही कह रहे हो मोदी जी हिटलर है, तो मैं क्या करूँ? आप नहीं बोल रहे? नहीं मैं तो हिटलर कह रहा हूँ, हिटलर स्याही शासन चल रहा है, आप लोग कह रहे हो कि हाँ मोदी जी हिटलर है, आप सभी चैनल वाले कह रहे हो। धन्यवाद तेज बहादुर जी लाइव बीएनएस से बात करने के लिए। तो लाइव बीएनएस के माध्यम से इसके पहले भी हमने तेज बहादुर से बात की थी, बर्खास्त सिपाही हैं बीएसएफ के, नामांकन के दौरान बात की थी, आज नामांकन रद्द हो चुका है, और आपने देखा राष्ट्र सेवा का बीड़ा उठाने वाले इस समय समाज सेवा का बीड़ा उठा चुके हैं समाजवाद के माध्यम से। अब देखने वाली बात होगी कि देश के प्रधानमंत्री को उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में किस तरह से अपनी जीत के लिए दो चार होना पड़ता है। लाइव बीएनएस के लिए ध्यानचंद शर्मा वाराणसी।